तो निकिता जी, आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं आज वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज क्यों होता है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट पढ़ाएंगे आपको, हालांकि आप एक्सेल को जानते हैं, वीबीए के बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं, फिर भी हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट को कराते हैं। सबसे पहले जानते हैं वीवीए, वीवीए क्या है। देखिए, वीवीए जो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एक लैंग्वेज है। अब यहां ध्यान लीजिए, ये VB6 नहीं है, VB स्टूडियो नहीं है, डॉट नेट वगैरह नहीं है। क्यों? क्योंकि VB स्टूडियो, VB6, डॉट नेट, इसकी मदद से आप जो है एक नई एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, नई एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। लेकिन VB6 की मदद से हम कोई VB की मदद से VBA की मदद से हम किसी भी तरह का एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करते हैं। हम एमएस ऑफिस के अंदर नए टूल्स को डेवलप करते हैं। जी हाँ, एमएस ऑफिस कहा, क्योंकि VBA प्रोग्रामिंग एक्सेल, आउटलुक, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन सब पे परफॉर्म करता है। अब यहां पे हम एक चीज बात करते हैं कि वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए हम बनाएंगे क्या। देखिए, तीन चीजें आप कर सकते हैं। पहला, मैक्रोज। अब यहां पे कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जो व्यू मेनू बार के अंदर जो रिकॉर्ड मैक्रो है उसको मैक्रो कहते हैं, और जो हम कोडिंग करते हैं उसको रिकॉर्ड मैक्रो वीवीए कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि दोनों मैक्रो ही कहलाते हैं। क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड पे क्लिक करके कोई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपके माउस एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, आपके माउस एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन बनाता तो वो मैक्रो ही है। देखिए, मैक्रो वन बनाया, आप खुद से भी जो बनाएंगे वो मैक्रो ही बनाएगा। बस लैंग्वेज दोनों में सेम यूज हो रहा है, बस एक टूल्स है एक ही खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग कर देता है। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोग्रामर बैठा हुआ है जो मेरे मेरे माउस और कीबोर्ड इवेंट को खुद ब खुद मैक्रो में कन्वर्ट कर देता है, तो फिर वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग सीखने की क्या जरूरत। बेसिकली क्या है कि जब आप वीवीए प्रोग्रामिंग ना लेके आप रिकॉर्ड मैक्रो को लेते हैं, उसमें दो तीन तरह की प्रॉब्लम होती है। पहला, कि रिकॉर्डिंग मैक्रो लिमिटेड वे में काम करती है, उस हर तरह के मैक्रो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, नहीं बना सकती, रिपीटेशन नहीं कर सकती, कनेक्टिविटी नहीं कर सकती, कंडीशंस नहीं लगा सकती, डायनेमिक नहीं हो सकता, दिस इज अ लिमिटेड वे। इसका यूज क्या है, इसका यूज हम आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कर दें। अब बात करते हैं कि मैक्रो होता क्या है। देखिए, मैक्रो जो होता है वो ये होता है कि आपके काम को सिंपलाइज करता है, ये ऑटो पायलट की तरह होता है। जैसे ऑटो पायलट दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्लेन को फ्लाई करता है, उसी तरीके से वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में मैक्रो आपके दी गई लाइन ऑफ कोड की मदद लेके वो आपका काम को ऑटोमेट करता है। किस तरह काम कैसे करता है, चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अभी जो मैं कोड यूज करूंगा, हो सकता है कोड आपको समझ में ना आए, बस आप इसकी उपयोगिता को, इसके यूजेस को समझिए कि आप जब वीवीए सीख जाएंगे तो किस तरह के काम को करेंगे।
मेरे पास टोटल 5 सीट है। मान लीजिए कि आपको एक डेटा, मान लीजिए आपको एक डेटा मिलता है अपने ऑफिस से, वो डेटा कई सारे सीटों पे स्प्लिट होता है। ये 5 सीट है, लेकिन हो सकता है 50 सीट हो सकता है ये 100 सीट्स हो। और ये काम आपको डेली इस तरह का आता है, डेली डेटा को कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए आप पर डे काफी टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम आएंगे विजुअल बेसिक, और यहाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट कॉपी डेटा के नाम से बनाया। अब देखिए इसमें हम सिंपल सा 5 लाइन का कोड लिख रहे हैं, फोर आई इक्वल टू, चले 1 2, जितना सीट्स है उसकी काउंट करें, उसमें से एक हेलो हटा दें। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ना? हाँ, तो मुझे इसका मतलब मिलेगा ना, क्योंकि हाँ अभी लिखने के मिलेगा मिलेगा लिए मिलेगा। अगर। हाँ जी, ठीक है। हम पहले नंबर शीट पे जाएंगे, रेंज A1 पे जाएंगे और कंट्रोल A करेंगे, A1 कंट्रोल A करेंट रीजन होता है, डॉट कॉपी करेंगे, वापस सीट्स डेटा पे आते हैं और सर, अगर सेक्शन। शीट का नेम डिफरेंट हो जाता है तो भी ये शीट काउंट बराबर लेगा? मतलब शीट का नेम हमने चेंज कर नहीं, दिया। डेटा होना चाहिए, बाकी इसी पे हम दिक्कत नहीं है। ठीक ही, कॉलिंग हाँ मेथड है, अगर ठीक, नाम चेंज होता है तो फिर उसका दूसरा मेथड से हम यूज करेंगे। हाँ हाँ वही वही वही, क्योंकि अगर कभी नाम चेंज करते हैं तो हाँ फिर समझ क्या गया। करते? हमने बताया ना, अभी आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जी और यहां पे MSG बॉक्स जॉब इज डन। ठीक है, अब मुझे इस काम को करना है तो डेटा शीट पे जाना है, मैक्रोज पे जाना है और अपने इस कॉपी डेटा वाले मैक्रो को रन कर देना है। कुछ ही सेकेंड में आपने देखा जॉब इज डन आ गया, और अभी 5 फाइल है ना, आगे 50 भी होता तो उतना ही टाइम लगाता, कुछ सेकेंड से कम ज्यादा होता है, लेकिन आप देखिए कि आपका डेटा यहाँ पे आ गया, कॉपी पेस्ट हो गया। आप बोलेंगे जैसे इसमें हेडिंग आ रहा है, इसमें ऐसा हो सकता है, जो लाइन ऑफ कोड हम यहाँ डालेंगे बोला ना तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा ना। जी। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपका खाना में नमक नहीं है, इसका मतलब आपने नमक नहीं ना डाला है, नमक डालेंगे तो नमकीन होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। सेम उसी तरह के कोई काम नहीं कर रहा है, उसका लाइन ऑफ कोड हमने नहीं डाला है, उसका लाइन ऑफ कोड को डालेंगे तो करेगा, ना करेगा, ना डालेंगे तो नहीं करेगा। क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग जस्ट गधा प्रसाद की तरह है, अगर आपने बोला कि भाई पानी पीने के लिए क्या बोल पानी लेके आओ, तो ये नहीं सोचेगा कि पानी पीना है या नहाना है, पीना है तो गिलास में पीना है या बाल्टी से पीना है, हो सकता है वो बाल्टी से भी लेके आ जाए। एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ इस काम को इस तरह से इस चीज को लेके करना है, समझ गया। तो जो जिसको हम यहाँ हेडिंग पे निकालना कोड है तो वो निकाल जो कोड सकते यहाँ हैं इंस्ट्रक्ट करेंगे उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ये दिखा जी। रहा था कि आप अपना काम को जल्दी कैसे करेंगे। अभी आप देख लीजिए, जमीन इमेजिन कीजिए कि 50 सीट होता, 50 सीट के डेटा हाँ को एक के नीचे कॉपी कर सकते करना होता तो दो चीजें होती, एक आपकी टाइम कंज्यूम ज्यादा होता, इसको हम लेबर बोल सकते हैं, टाइम बोलिए, लेबर बोलिए या मैन पावर बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। दूसरा एरर्स, हो सकता था कोई सीट छूट जाए या हो सकता है कोई सीट डबल डबल कॉपी हो जाए, 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती ना। जी जब प्रिंट आउट होगा तो 100% प्रिंट आउट होगा, लेकिन उसी चीज को जब आप लिखने बैठेंगे तो एक दो कटिंग तो ही जाएगा ना। तो ऑटोमेशन, जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करते हैं तो वो ऑटोमेशन होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मैक्रो क्या है समझ में आ गया?
मैक्रो को हम एक जैसे ऑटो पायलट कर सकते हैं कि जो आपने मैक्रो के रूप में स्टॉक किया हुआ है, जस्ट उसको जब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम आपका हो जाएगा, वो भी आपके मैनुअल करने से 1000 गुना ज्यादा टाइम से। ठीक है, मतलब तेजी से, मतलब ऐसा नहीं 1000 ज्यादा टाइम लगेगा, 1000 गुना ज्यादा तेजी से करेंगे। तो उसके जरिए हम दूसरा बनाते हैं फंक्शन। हम क्या बनाते हैं? फंक्शन मतलब कि फॉर्मूले। आपके पास बी लुकअप, एच लुकअप, मैश, इंडेक्स, सम इफ नाम के ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना। आप यहाँ पे खुद के भी फॉर्मूले बना सकते तो अब यहाँ पे फंक्शन। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑलरेडी यहाँ मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर हम खुद के फॉर्मूले क्यों बनाते हैं? अब कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूले पहले उसी को पढ़ नहीं पाया, आप बोल रहे हैं कि नया फॉर्मूला बना दो। तो बेसिकली फॉर्मूला बनाने के साथ साथ मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं। जैसे कि वी लुकअप का फॉर्मूला है, इसमें प्रॉब्लम है कि रिपीटेड वैल्यू को शोर नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट ही करता है, दो शीट से डेटा नहीं लेता है। तो आप खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं जिसमें इस सारी प्रॉब्लम को दूर कर सके। ठीक है निकिता जी, वी लुकअप में ऐसा कुछ है कि वो मतलब सॉर्टेड डेटा पे ही काम करता है? है तरीके बहुत सारे हैं, ये बिल्कुल के बहुत सारे वीडियो है, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। जी। और नहीं है कुछ तो बना लेंगे फंक्शन के जरिए। वीवीए फंक्शन जो है वही तो चीज है हमारी, जिसके जरिए हम नए फीचर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इट मीन इंटरफेस। जैसे मान लीजिए मैंने एफएक्स पे क्लिक किया तो पॉपअप आ गया जहां से बहुत सारी चीज को नेविगेट कर रहा है। ऐसे जब आप पिवट टेबल लगाते हो इस तरह का पॉपअप आता है, तो आप इसी तरह का पॉपअप क्रिएट कर सकते हो अपने माइक्रो के लिए। जैसे मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट को ऑटोमेट किया, अब जो रिपोर्ट आपका ऑटोमेट हुआ है उसमें एक चीज हो सकती है प्रॉब्लम कि आपने रिपोर्ट बनाया तो आपका रिपोर्ट में क्या है कि मंथ वाइज रिपोर्ट है आपका, तो आपको रन करने से पहले मंथ पूछता है, तो आपने एक पॉपअप देना पड़ेगा ना आपको जहां पे वो मंथ को सिलेक्ट करेगा, इंसर्ट करना या मंथ के बाद वो जो है मान लीजिए मंथ बाय सिटी बाय जोन बाय, तो मंथ के सिटी जोन तीनों सिलेक्ट करके ओके करेगा। ओके के ऊपर सारे माइक्रो कोड किया होगा कि भाई तीनों को देख के उस हिसाब से माइक्रो को रन करो। ये चीजें इंटरफेस से हो गया। नहीं तो मान लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 12 महीने के लिए आपको 12 माइक्रो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं होम मेनू बार में हर ऑप्शन को अलग अलग यहाँ दिया गया है ना, अब इस सारे ऑप्शन को ना दे के एक पॉपअप भी दे सकता है। देखिए आप यहाँ देखिए पॉपअप फॉर्मेट सेल के पॉपअप पे सारी चीज अवेलेबल है। ये अगर चारों हटा दे और एक फॉर्मेट सेल डाल दे फिर भी काम चल सकता है ना, क्या मैम? तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हम माइक्रोज बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं और यूजर फॉर्म बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो भी चीज बनेगी वो एक्सेल पे ही चले। एक्सेल से हम बाकी को कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल से हम वर्ड पे जा वर्ड से डेटा ले ले सकते हैं, भेज सकते हैं, आउटलुक को मेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऑपरेट होगा आपका एक्सेल से होगा। ठीक है, समझना आइए आपको। अब हाँ मान करते हैं कि माइक्रो कब यूज करेंगे,
क्या हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए माइक्रो लिखना शुरू कर दें? ऐसा गलत होगा ना। मान लीजिए बॉस ने एक छोटा सा डेटा भेजा और आपसे पूछा कि मंथ वाइज मुझे बताओ कि ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है। ये छोटी चीज आप पिवट टेबल से बना सकते हो। हाँ अब इसके लिए प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी ना। ये बात वही हो गई ना कि एक दिन की शादी के लिए घोड़ी खुद खरीद दो, किराए पे भी जा सकती है क्या मैम? जी कि बार बार शादी तो करनी नहीं है तो घोड़ी खरीद के रख लेते हैं, बार बार किराया देना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो दो चीज देखी जाती है। पहली देखी जाती है क्या है प्रॉब्लम, रिपीटेड मतलब आपके पास जो काम आया क्या वो रिपीटेड है, एवरी डे उस काम को करना है, ठीक है? तो हर दिन अगर उस काम को करना है तो आप इसके लिए ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस अब हर दिन जाना है, कैब आपको अब नहीं देगी, पब्लिक कन्वीनियंस से दिक्कत होती है, देन हम कार के लिए सोच सकते हैं, बजट पर कार खरीदे, बजट नहीं तो स्कूटी से काम चल सकता है। तो सेम उसी तरह से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीटेड आया, रिपीटेड वर्क है जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम यूज करते हैं। तो रिपीटेशंस के लिए हम यूज करते हैं। हेलो माइक्रो। दूसरा होता है आपका लेंदी वर्क। लेंथी वर्क जो होता है उस पर यूज करते हैं। लेंदी वर्क जो होता है, अब स्पेलिंग लेंदी कैसे गलत पर लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी स्पेलिंग में मेरी हाथ टाइट है क्योंकि हमने राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़ा है ना सर, पब्लिक स्कूल से हम नहीं पढ़े हुए हैं। तो लेंदी वर्क जब होता है हमारे पास कि कुछ ऐसा काम जो काफी ज्यादा बार बार रिपीट होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, सॉरी लेंदी वर्क मतलब रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एड्स साइड, आपको कोई काम एक बार मिला है, बस एक बार मिला है उसी को करना है, लेकिन इतना ज्यादा लेंदी है, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इतना इतनी की प्रॉब्लम है उसमें कि आप अगर उसको करते हैं तो आपका जो है काफी टाइम कंज्यूम हो सकता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक साइड ऑफ लिस्ट निकालता हूँ, एसी कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और हमने एक्सेल पे डाल दिया। अब प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई कि इसके अंदर जो पाथ पाथ देख पा रहे हैं ना, ये पाथ हमको चाहिए, दिख रहा है आपको? तो पाथ लेने के लिए राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपरलिंक पे जाना है, इसकी पाथ को उठाना है और फिर यहां पे पेस्ट कर, फिर राइट क्लिक करना है इस पे, यहां पे एडिट हाइपरलिंक, यहां कॉपी करना है और यहां पेस्ट कर। हालांकि ये तो 1 2 3 है, लेकिन मान लीजिए अलग अलग बात है, जैसे ई बाय डॉट कॉम है, डॉट इन है, ओलेक्स डॉट इन है, डॉट कॉम है, तो ये सारा इसके यूआरएल पर है। अब यदि चलो 14 15 है तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके पास ये लाखों में, लेकिन काम आके एक ही बार है, एक बार निकालने के बाद दोबारा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है मैम? तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे विजुअल बेसिक में जाके, बुक टू है ना, बुक वन, बुक वन में यहां मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, इसी में हम फॉर्मूला बना देते हैं कि फंक्शन यू आर एल एन एज ए रेंज और फिर यू आर एल इक्वल टू
एन डॉट हाइपरलिंक डॉट हाइपरलिंक जीरो जीरो वन होगा, हाँ जीरो होगा सॉरी, डॉट एड्रेस। सिंपल सा हमने लिखा है, एक लाइन का कोड है। अब यहाँ पे यूआरएल का फॉर्मूला लगाइए इसको सिर्फ, और सॉरी यहाँ पे वैल्यू आया क्योंकि हमने यहाँ पे वन देना था, कंफ्यूज है तो बार बार नहीं। तो आपने देखा एक बार हमने लगाया और नीचे तक ड्रैग कर दिया, सारे यूआरएल निकल के लेकिन सेम आ गए, ठीक है। हेलो समझ गए मैम। हेलो तो हमने जैसे लाइन, तो हम यहाँ पे लेंथी वर्क के लिए यूज करते हैं। तो हम कब यूज करते हैं? रिपीटेड जॉब के लिए और लेंथी वर्क के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसके लिए फोर? तो देखिए हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो डेवलपर टाइप के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी होता है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ डिसेबल होता है। अब डिसेबल होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है, कोई किसी को अगर मेल करते हैं तो वो आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा, उसको सिक्योरिटी वार्निंग देगा। सिक्योरिटी वार्निंग में बोलेगा कि प्लीज एनेबल द माइक्रो। हेलो आवाज आ रही है? हेलो, हाँ निकिता जी सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ अभी आई आवाज नहीं आ रही है थी मुझे, एक मिनट। और मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मौसम बहुत खराब हो गया है। तो यहाँ पे हमने आपको ये बोला कि हर किसी का माइक्रो डिसेबल होता है। अगर किसी को अगर आप फाइल भेजेंगे तो उसको माइक्रो सिक्योरिटी का एरर देगा, माइक्रो सिक्योरिटी एरर देगा। एरर देने से क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसके पता होगा कि एक भाई ये भी इसमें माइक्रो लगा है तो इसका यूज कर सकते हैं, इसको पता नहीं होगा कि माइक्रो यूज नहीं करना है, माइक्रो माइक्रो क्या होता है, तो सीधा आपको बोलेगा कि यार इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एरर है वगैरह, और आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये माइक्रो है इसको अनेबल कर दे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो माइक्रो क्या है, कब यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, समझ में आ गया? जी जी। तो माइक्रो आप अपने लिए दबा के यूज कर सकते हैं, किसी को भेजना है तो अवॉइड कीजिए। ठीक है जी जी।